गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आज हम इस क्लास में आपको रिवीजन करवाएंगे चित्रों को देखकर उनके नाम लिखने का अभ्यास करवाएंगे आज हम आपको। तो हमें क्या कर तैयारी करनी है, अपनी बुक लेकर बैठना है, नोटबुक लेकर बैठना है और चित्रों के नाम का अभ्यास करना है कि चित्रों को देखकर हम उसके नाम किस प्रकार से हमें लिखना है। ये कुछ चित्र हमने बना रखे हैं, आपकी बुक में इससे ज्यादा चित्र है, तो आपकी बुक में जितने भी चित्र है आपको सभी चित्रों के नाम लिखना आना चाहिए। कुछ चित्र हमने यहाँ पर बनाए हैं, आपको इसका अभ्यास कराएंगे आज। तो चलिए सबसे पहले हम आएंगे पहला चित्र हमारा किसका है। पहले चित्र को पहचानेंगे, फिर उसका नाम याद करेंगे और फिर उसको लिखने का हम अभ्यास करेंगे। तो हमारा पहला चित्र क्या है, पहचानिए। पहला चित्र हमारा नयन। पहला चित्र हमारा किसका है, नयन। तो नयन किस प्रकार से लिखेंगे, नयन के लिए हम पहले लिखेंगे न य और फिर न, तीनों वर्णों को मिला के बनेगा नयन। तीनों वर्णों को क्या मिला के बनेगा, नयन, न प्लस य प्लस न, तीनों वर्णों को मिला के बनेगा नयन। हमारा अगला चित्र है, पहचानिए, पहचान में आ रहा है आपको। हमारा अगला चित्र है कलम। अगला चित्र है हमारा कलम। तो कलम के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे क, फिर लिखेंगे ल, फिर लिखेंगे म। तो हमारा ये शब्द बना और चित्र का नाम बना कलम। क्या बना, कलम। अगला चित्र है हमारा, देखिए पहचानिए ये वाला चित्र, बटन। तो बटन किस प्रकार से लिखेंगे, ब लिखेंगे, ट लिखेंगे और न लिखेंगे, बटन। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको इसे अच्छे से करना है। ठीक है बच्चों, बटन, बटन। पहला शब्द था नयन, दूसरा शब्द था कलम, तीसरा शब्द था बटन और चौथा चित्र हमारा, पहचानिए, शहद। श प्लस ह प्लस द, तीनों वर्णों को मिला के लिखेंगे तो शब्द बनेगा शहद। क्या शब्द बनेगा, शहद। अगला चित्र है हमारा, पहचानिए, भवन। भवन किस प्रकार से लिखेंगे, भ लिखेंगे, व लिखेंगे और न लिखेंगे, तीनों को मिलाएंगे तो शब्द हमारा बनेगा भवन। नयन, कलम, बटन, शहद, भवन। अगले चित्र की तरफ हम बढ़ेंगे, पहचानिए, कलश। वेरी गुड। कलश कैसे लिखेंगे, क लिखेंगे, ल लिखेंगे और फिर श लिखेंगे, शब्द हमारा बनेगा कलश। शब्द हमारा बनेगा कलश। पहचानिए अगला चित्र, पलक। प लिखेंगे, ल लिखेंगे और क लिखेंगे, शब्द हमारा बनेगा पलक। चित्र किसका है, पलक का, और लिखेंगे क्या हम उसका नाम, पलक। अगला चित्र पहचानिए, चरण। च प्लस र प्लस ण, चरण। चित्र किसका है, चरण। अगला चित्र हम देखेंगे, ऐनक। ऐनक कैसे लिखेंगे, आए न क, ऐनक। आए लिखेंगे, न लिखेंगे और क लिखेंगे, तीनों को मिला के बनेगा ऐनक। अगला चित्र हमारा मटर। म और ट और र, शब्द बना मटर। इसके अलावा भी हमारी पुस्तक में बहुत सारे चित्र है, जैसे मगर है ना, और उसके अलावा, मगर के अलावा हमारे बुक में है हवन, ठीक है, बढ़ई
है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे चित्र है, उन सभी चित्रों के नाम हमें लिखना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक बार और पढ़ेंगे हम। नयन, कलम, बटन, शहद, भवन, कलश, पलक, चरण, ऐनक और मटर। इसके अलावा बहुत सारे चित्र है जिनके सबके नाम हमें लिखना आना चाहिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इस प्रश्न को बहुत अच्छे से अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों, परीक्षा की तैयारी शुरू कर देना है, परीक्षा अच्छे से देना है। कॉपी जो भी आपके पास आएगी, पेपर जो भी आपके पास आएगा, उस पेपर को आपको गंदा नहीं करना है। लाइन के नीचे लिखना है, साफ सुथरा लिखना है, अपने मन से लिखना है। मम्मी पापा की हेल्प सिर्फ प्रश्न पूछने में करना है, उत्तर में नहीं करना है, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छे से उत्तर करा चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छे से करना है, एक बार और आपको अभ्यास करवा दें। ठीक है, नयन चित्र आपके पेपर में बने हुए आएंगे, आपको सिर्फ उनका नाम लिखना है। तो नयन, कलम, बटन, शहद, भवन, कलश, ऐनक, पलक, चरण, मटर। ठीक है बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से किया आपने। एक बार और आप देख लीजिए अच्छे से कि कौन से चित्र का हमने क्या नाम लिखा है, और अपनी नोटबुक में उसे नोट कर लीजिए और उसका अभ्यास करिए। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया, चित्र आपके पेपर में दिया हुआ होगा, आपको सिर्फ उनके नाम लिखना है। अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से लिखना, राइटिंग साफ सुथरी लिखना पेपर में, और अपना ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे आपको अगले प्रश्न के साथ अगली नई क्लास में। जब तक के लिए बाय।